Hello dear learners of class 8, today we are going to solve the book exercise of chapter number 16, that is Reflection of Light. So students, here the first exercise is the get ready exercise. और इस exercise में आपको करना क्या है, एक picture दिया हुआ है, उसको label करना है, ठीक है? So according to the instruction, we will be doing the labeling part of the picture. This is the picture. So first you need to label the incident ray and the reflected ray. So this ray is the incident ray, and the ray which bounces back from the plane mirror is known as the reflected ray. So next is angle of incident and angle of reflection. This angle, which is from point O to the incident ray, this is known as the angle of incident. Or jo इस ओ पॉइंट से यहाँ ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो निकली हुई है, इनके बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे. अब ये जो पिक्चर है, ये क्या दिखा रही है? सो दिस पिक्चर शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर. ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है? रिफ्लेक्शन, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ light from the plane mirror. Okay, so moving to the next exercise, that is the practice time 1. Here you need to write T for true and F for false, and you need to correct the false statement. So first is, an opaque object does not allow light to pass through it. द ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट. तो ये सही है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके आर पार लाइट नहीं होती, उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना. लाइट कैसे हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर उसके आर पार नहीं हो पाती है. देन सेकेंड इज, वी सी मोस्ट थिंग अराउंड अस बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये गलत हो गया, क्योंकि जो हम ज़्यादातर चीज़ें देख पाते हैं बेटा, वो होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से. किसकी वजह से? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना. नेक्स्ट इज थर्ड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल. दिस इज ट्रू. Then fourth, the image formed by the plane mirror cannot be obtained on the screen. This is also true कि अगर कोई image plane mirror पे हमको मिली है तो वो जो है screen पर नहीं दिखेगी. Five, plane mirror are used in solar cooker. Plane mirror जो है वो solar cooker में use होते हैं. This is also true. Now moving to the next, that is the main book exercise. Take the correct answer. First, what type of body allow the maximum light to pass through it and reflects very little amount of light? So it is transparent body. अगर कोई body transparent है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा amount of light को अपने से pass through होने देगी. Second, which one of the following ray of light first strike the mirror surface during the reflection of light? तो वो होती हैं incident rays. Then next is the third question. The angle formed between the normal and reflected ray is, angle जो normal और reflected ray, ये देखो ये plane mirror है, ये incident की ray है, ये reflected ray है, ठीक है, और ये हो गई आपकी incident ray. ये बोल रहे हैं कि, और ये है आपका normal. अब normal और reflected ray जो है उसके बीच में बनने वाले angle को आप क्या बोलेंगे? Angle of reflection. फोर्थ, what type of image is formed in plane mirror? Plane mirror में कैसी इमेज देखने को मिलती है? क्या वो वर्चुअल होती है? नहीं. देन इरेक्ट होती है क्या? नहीं. सेम साइज की होती है? नहीं. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज. फाइव, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर एट द एंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. एक जो नंबर ऑफ इमेजेस है एक किसी मिरर से बनने वाली, तो उनका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय, या 360 अपॉन थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट,
डैश रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट स्ट्राइक थ्रू रफ सरफेस. रफ सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्शन कौन सा हो जाएगा? डिफ्यूज्ड. सेकेंड, एनी पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट बैक द लाइट इज कॉल्ड प्लेन मिरर. प्लेन मिरर ऐसा है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, राइट. देन थर्ड इज द एंगल विच रिफ्लेक्ट द रे मेक्स विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फोर, द मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, देन वी सी डैश ऑब्जेक्ट इन द मिरर. तो हमको कितने ऑब्जेक्ट दिखेंगे? थ्री. देन फिफ्थ, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट डैश मिरर आर यूज्ड एट रोड बेंड सो दैट द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड कैन बी सीन. इट इज प्लेन मिरर. Now, T for true and F for false. Again, you need to correct the false statement. So, first is the reflection takes place from wall, chair, floor, tree are called diffuse reflection. हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो सारी surfaces हैं, ये कैसी surfaces हैं? They all are rough surface. तो rough surface से होने वाले reflection को हम बोलते हैं diffuse reflection. Now, next is irregular or diffuse reflection help us to see all things around us. तो ये true है या false? देखो, जो irregular और diffuse reflection है, यहाँ पे all things लिखा है तो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते. यहाँ पे सही word होगा most of the things. तो most of the things अगर आप लिखेंगे तो ये sentence correct है, otherwise this is false. Third, रिफ्लेक्टेड रेज ट्रांसमिट टू अनदर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन. दिस इज फॉल्स बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे ट्रांसमिट टू सेम मीडियम. यहाँ अनदर लिखा हुआ है जबकि यह होना चाहिए सेम मीडियम या सेम ऑप्टिकल मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेम कौन सा मीडियम? ऑप्टिकल मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके. फोर्थ, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट. तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है क्या? ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट ना हो करके आप इसके लिए लिख सकते हैं कैन बी अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन. फाइव, लैटरली इन्वर्टेड इमेज आर अपसाइड डाउन. लैटरली इन्वर्टेड इमेज अपसाइड डाउन होती है क्या? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स क्योंकि जो लैटरली इन्वर्टेड इमेज है वो राइट हैंड साइड अपीयर करती है एज लेफ्ट या फिर वाइस वर्सा. यानी कि जो इसका राइट साइड है वो आपको कैसा दिखेगा? लेफ्ट. और जो लेफ्ट साइड है वो आपको दिखेगा राइट. ठीक है, जो आपकी लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं. अब यहाँ सिक्स्थ आपका दिया हुआ है, वी गेट इन्फिनाइट इमेज व्हेन वी कीप टू मिरर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज ट्रू. नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इज लाइट. सेकेंड, ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली अलाउ सम लाइट टू पास या टू पेनिट्रेट इट एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट इट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. थर्ड, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. फोर्थ, द फिनोमिना विच देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट टू राइट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इन द मिरर इज लैटरल इन्वर्जन. फाइव, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच follows the concept of multiple reflection is kaleidoscope. So here we come to the end of this chapter exercise. So for the next chapter exercise, do comment and also you can comment for the chapter explanation. Thank you.